आज का तो अपना टॉपिक है वो कौन सा हमारा डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट में क्या होता है कि इसके अंदर दो कंडीशन अप्लाई होती है। पहली कंडीशन होती है परचेज की, सेकंड होती है सेल्स की। तो परचेज की कंडीशन में क्या होता है, जब भी हम गुड्स वगैरह परचेज करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव होता है। जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी कैंडिडेट है तो अपन क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो हम उनको क्या करें, डिस्काउंट दे दें, तो वो हमारे लिए क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड होता है। तो जब भी आप कोई चीज परचेज करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमारी तो इनकम होती है, बट टेक्निकल जब अगला आदमी को क्या करता है, सेल करता है, तो सेल्स के टाइम क्या होता है, वो एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो दो कंडीशन हमारी क्या बनती है, फर्स्ट ऑफ ऑल बनती है परचेज और सेकंड क्या बनती है, सेल्स। तो पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, परचेज लिख रहा हूँ और सेकेंड आप उसको क्या लिख रहे हैं, सेल्स लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें परचेज के टाइम हमेशा क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव होता है। ठीक है, जिसको DIS के नाम से होते हैं, यहाँ पे भी क्या होगा, डिस्काउंट अलाउ हो गया। ठीक है, तो डिस्काउंट में रिसीव हमें हो रहा है तो हमारी क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। अगर आप किसी को डिस्काउंट दे रहे तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब बात आती है कि इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, तो उस केस में क्या करते हैं, जैसे मान लो इसको इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंस है, तो इनडायरेक्ट इनकम और एक क्या होता है आपका डायरेक्ट, ठीक है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो इसी के अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे अपना डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, जिसकी पेमेंट आप क्या करते हैं, डायरेक्टली करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने किसी को किराया दे दिया या कुछ भी जो भी है, ठीक है, और कुछ केसेस में क्या होता है कि एक क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर क्या होता है कि जिसकी आपका पेमेंट डायरेक्टली बैंक के बजाय क्या करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, जिसकी पेमेंट हम क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अपन किसी को किराया दे दिया या फिर अपन किसी को लेबर को वेजेस को मजदूरी दे दी है, मतलब इस तरह की चीज एग्जांपल होते हैं। उसके बाद होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जिसकी पेमेंट आप डायरेक्ट नहीं करते, उसकी पेमेंट जो आप करते हो क्या करते हो, मंथली करते हैं। ठीक है, या कोई हमें क्या दे दिया जाता है, फ्री टाइम दे दिया जाता है। ठीक है, या बेटा ये पीरियड टाइम मिलेगा, तो पीरियड टाइम में हमने क्या अगर किसी को अपन पेमेंट कर दे, तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे हमारे पास दो कैंडिडेट है, फर्स्ट कौन सा ए है, सेकंड कौन सा बी है। ठीक है, तो इसने मान लो तो इस बंदे ए को क्या पैसे की रिक्वायरमेंट है, इसकी हेल्प पे है बी की हेल्प पे है, तो इस केस में क्या करेगा, जैसे बी को रुपए दे देता है, तो अब उसने क्या कहा कि मैं आपको 10 डेज में वापस कर दूंगा, तो 10 डेज में क्या होगा, मान लीजिए एक टाइम पीरियड होगा, ये परचेज है और ये सेल्स।
उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि इसके ए के अकाउंट में मैंने एंट्री कर दी परचेज, तो बी खुद के अकाउंट में कौन सी एंट्री करेगा? सेल की एंट्री करेगा। तो जो ए ने परचेज किया था वो 32,000 का परचेज किया था, किससे किया था? बी से। बी सेल में शो कर रहा है, ए को कितने का सेल करेगा? कितने का परचेज किया था, तो कितने का कर रहा था वो परचेज? 32,000 का। तो बी उसको सेल में कितने का करेगा? 32,000 का ही सेल करेगा उस कंडीशन में। तो पॉइंट ऑफ व्यू जो देखा जाएगा वो दोनों का देखा जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी ए की है और ये कंडीशन हमारी बी की है। तो मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया था कि तो जो मैंने परचेज किया था बी से वो कितने का किया था? 32,000 का। बट मैंने बी को क्या कहा कि आप मेरे को 30,000 का क्या कर दो? सेटलमेंट कर दो। तो 2,000 का मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट मतलब मेरी क्या होगी? इनकम होगी। मतलब मेरे को 2,000 कम देने पड़ रहे उसको, ठीक है। तो डिस्काउंट दिया किसने? बी ने। मिला किसको? हमें। तो हमारे लिए क्या क्रिएट करता है? इनकम। बट डिस्काउंट दिया किसने? बी ने। बी का क्या रहा है? सेल कर रहे, तो उसका क्या रहा? एक्सपेंस होता। तो डिस्काउंट ये चीज होती है कि जब आप कुछ परचेज करते हैं तो परचेज के टाइम हमें जो डिस्काउंट मिलता है वो हमारे लिए क्या करता है? इनकम क्रिएट करता है। और जो अगला कंडीडेटर में क्या करेगा? सेल करेगा। सेल करेगा तो अगला डिस्काउंट दिया तो उसके लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा, ठीक है। तो ये कुछ एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और उसके बाद क्या होते हैं, हम कुछ जनरल एंट्री पढ़ेंगे इसकी। एक मिनट, तो जैसे कि अपन डिस्कस किया कि हमें जो कंडीशन होती है, दो कंडीशन कौन सी होती है? परचेज की होती है, कौन सी होती है? सेल्स की होती है। तो दोनों कंडीशन में डिस्काउंट भी हमारे क्या होता है? अलग अलग होता है। तो परचेज की कंडीशन में जो डिस्काउंट होता है इसी में होता है, और सेल्स के टाइम जो डिस्काउंट होता है वो अलग होता है, मतलब हमें देना पड़ता है, ठीक है। तो उसी कंडीशन में कई बार जो अपने खुद सेटलमेंट भी कर लेते हैं मंडी के साथ, हम जो एंट्री करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या करनी होती है? कुछ सेटलमेंट भी करनी होती है। गुड्स परचेज इन कैश 52,000 एंड
डिस्काउंट रिसीव 2000, ठीक है। अब इसी के तहत हम दोनों कंडीशन उठा रहे हैं, एक तो हम परचेज की और सेकेंड हम सेल्स की, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा किसका होना चाहिए, दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, ठीक है। अब जो मैंने एंट्री बताई आपको परचेज की, ठीक है, तो परचेज उसने जो कर रहा है कितने कर रहा है 52000 का परचेज कर रहा है, और जो उससे सेटलमेंट हो रही है मतलब जो 52000 है बेसिक जो डिस्काउंट दे रहा है वो कितने का है 2000 का। अब ये कंडीशन ये नहीं है कि 52000 पे 2000 का डिस्काउंट करने का है, ये नहीं, इस कंडीशन पे डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो अब आपको पता क्या होता है कि जैसे समझ लेते हैं, जैसे हमने परचेज कितने का किया 52000 का, ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव कितना का रखा 2000 का। तो कई बार कंडीशन मतलब कई बार स्टूडेंट्स क्या समझ लेते हैं इस कंडीशन को कि हमने परचेज तो 54 का किया उसमें से 2000 का डिस्काउंट मिल के अपन एग्जैक्ट कितने का किया 52 का, बट ये चीज गलत है। हमारा जो आपके अकॉर्डिंग जो और मेरे अकॉर्डिंग जो के काम के अकॉर्डिंग प्रोसेस देखा जाएगा वो क्या देखा जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमें डिस्काउंट मतलब परचेज के ऊपर जो डिस्काउंट मिला तो इस अमाउंट में से हमें कितने का डिस्काउंट मिला है, तो एग्जैक्ट आपने उसको जो पेमेंट करेंगे वो करेंगे कितने, ठीक है। तो आपको ये भी पता है हमारी एंट्री क्या है, गुड्स परचेज इन कैश 52000 एंड डिस्काउंट रिसीव 2000, ठीक है। तो जो आपने परचेज किया है वो देखिए 52000 का, जिसमें से हमें डिस्काउंट रिसीव कितना मिला 2000, तो अपन एग्जैक्ट कितनी पेमेंट करेंगे 50000 की पेमेंट करेंगे, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि परचेज का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, तो परचेज का अमाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने का परचेज किया अपन 52000, ठीक है, जो हमने परचेज के ओपनिंग का किया 52000 का, इसमें से जो हमें डिस्काउंट मिला वो कितना मिला 2000 का। अब अपना ये प्रोसेस है परचेज का, ठीक है। तो परचेज तो आपने किया था 52000 का किए, जिसमें से देखो डिस्काउंट कितना मिला 2000 का, तो डिस्काउंट रिसीव कितना है 2000, ठीक है। तो 52 में से 2000 का डिस्काउंट मिलने के बाद जो आप पैसे पेमेंट करेंगे वो कितने की करेंगे आप 50000 की, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं, परचेज आपने कितने का किया 52 का, और परचेज के टाइम में से क्या होता है डिस्काउंट रिसीव होता है, और इसका जो बैलेंस क्या होता है आपको मैंने बताया क्रेडिट होता है, तो डिस्काउंट तो भी कितना रहा है 2000 का। तो आप चेक उसको जो पेमेंट करेंगे जो मैं अपने पास एंट्री को किस में कर रहा था कैश में, तो 2 में क्या आएगा कैश आएगा, तो यहाँ पे कितना रहेगा 50000, ठीक है। तो जो आपने परचेज किया वो मैं परचेज के अमाउंट लिख दी, जितना मेरे को डिस्काउंट मिला था वो डिस्काउंट में लिख दिया, और बचा हुआ आपने किसमें कर दिया पेमेंट कैश में कर, तो कैश में मैंने कितना लिख दिया 50000, ठीक है। अब उसके बाद आता है सेल्स का, ठीक है। अब देखो परचेज कितने का किया 52 का, तो अपन सेल कितने का करेगा 52 का, हमें डिस्काउंट मिला कितने का 2000 का, तो अगर डिस्काउंट दे कितने का 2000 का, हमें पेमेंट दे कितने का 50, तो अगला रिसीव भी कितने का रहेगा 50 का। तो पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा जब भी आप एंट्री करो तो पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा सेल्स के टाइम जब एंट्री आती है तो परचेज का भी साथ में लेके चलो, जब परचेज के एंट्री आते हैं तो सेल्स का भी इसी में साथ लेके चलो, क्योंकि भाई यहाँ से ये चीज क्लियर हो जाती है कि जब भी ट्रांजेक्शन करें तो वो हमेशा क्या होनी चाहिए दोनों तरफ से इंक्लूड होनी चाहिए, जितने का परचेज करो उतना तो आपको सेल कर अगला सेल करेंगे। तो मैंने परचेज किया इतने का, ठीक है, सेल्स का मैंने पहले जो था क्रेडिट, तो मैंने सेल कितने का दिया 52 का, मेरे को डिस्काउंट मिला कितना है 2000 का, अगले ने डिस्काउंट दिया है अगले का क्या है एक्सपेंस, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है डेबिट होता है, और जितनी इनकम होती है वो क्या होती है क्रेडिट होती है। तो मैंने ये पेमेंट करी कितनी 50 की, तो अगला कितना रिसीव करेगा कैश 50 करेगा, तो ये एंटर बनी, ठीक है। देखा जाए तो कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर आप देख रहे हो तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप कोई इतना टॉपिक उठा रहे हैं ये है सर मुश्किल है, सब मुश्किल वाली बात नहीं है, सीधी सी लैंग्वेज में भी याद कर सकते हो कि हम इतने का माल खरीदा है जिसमें से इतने का हमें डिस्काउंट मिल रहा है, इतने का हमें
सीधी सी बात, जिस वे में आप याद करना चाहते हैं उसी वे में करो, क्योंकि मेरा काम है सुनना, मैं सिर्फ सुन रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आप किसके अकॉर्डिंग याद करना चाह रहे हो, जिसके अकॉर्डिंग आपको ठीक है। ठीक है, तो अब इसके अंदर और भी टाइप से बार करो आपको, ठीक है, उसके ऊपर आप देखो। डिस्काउंट के अंदर दो डिस्काउंट होते हैं हमारे, दो पार्ट होते हैं, जिसकी एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है क्रेडिट डिस्काउंट। ठीक है, कैश डिस्काउंट का हमेशा शॉर्ट फॉर्म क्या होता है सीडी होता है, क्रेडिट डिस्काउंट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है पीडी होता है। ठीक है, अब कैश डिस्काउंट क्या होता है, हर एम्प्लॉई को नहीं मिलता, मतलब हर एक कैंडिडेट को नहीं मिलता। ठीक है, वही कई बार ये रहते हैं ना, इतने अमाउंट का आप परचेस करोगे तो आपको क्या डिस्काउंट मिलेगा, जो जिस तौर पर कैश बैक भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्रेडिट डिस्काउंट, क्रेडिट क्या होता है, बाद में ये हर एक कैंडिडेट को मिलते हैं, जितना है उतना हर एक कैंडिडेट को मिलते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें अब क्या करना है, कैश डिस्काउंट और क्रेडिट डिस्काउंट, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं 5%, 10%, 20%, 15%। ठीक है, सेम इसमें लगा लो 5, 10, 20 और 15%। ठीक है, जब भी किसी भी अमाउंट के साथ कोई भी परसेंटेज नहीं बढ़ती है, भाई कोई कह देता है 35,000 का 5% डिस्काउंट है, ठीक है, 40,000 का 20% डिस्काउंट है, 30,000 का 15% डिस्काउंट है। ठीक है, अगर कोई कहता है आपको 35,000 का 10%, तो 10% दिमाग में ये होना चाहिए कि होता है कितना, 1/10 होता है, सिर्फ आपको एक जीरो कम कर दिया और कुछ नहीं। अगर कोई कहता है 10%, तो 10% का मतलब क्या, दिमाग में उसे 10 होना चाहिए, 1/10। ठीक है, तो जैसे आप 1/10 करोगे तो जीरो कट कर दिया, अमाउंट आ जाती है। अगर किसी ने कह देता वो कि ये परसेंट, तो आपको पता होना चाहिए कितना है, 20 काट दो इसको, 108। ठीक है, और इसमें जैसे 20% का हम क्या करें, 1/5 करें, 20% में से क्या होता है 1/5 होता है, तो ये 1/5 माइंड में सेट होना चाहिए। इसके अंदर अच्छी आपका 50% है ना, 15% है तो काट दो इसको, 3/20 होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा ना ऐसी बात नहीं है कि भाई आपके आसपास काउंटर नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, मैं ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, ये भी नहीं कि बाहर मैथ नहीं देखा, बट कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस तो जल्दी जानते हो। तो उस कंडीशन में तो जैसे मैं कोई भी अमाउंट आ जाती है उसके ऊपर जो भी डिस्काउंट लगा लो, सेम ये कंडीशन इसमें। ठीक है, अब कुछ एक एंट्री करते हैं इस टॉपिक को लेके,
ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, जो हमने कुछ परचेज किया था जैसे वो कितने की थी, अपने 80,000 की। तो 80,000 की जो परचेज करने के बाद उसमें से जो डिस्काउंट है वो कितना है, 10% है। तो अब 80,000 का मान, ठीक है, 80,000 का 10% निकालो कितना होता है, 8, ठीक है। तो 80 में से 8 तो बचे कितने हमारे पास, 72,000। तो जब भी हम क्या करते हैं, क्या डिस्काउंट होता है, क्या डिस्काउंट कभी भी आप एंट्री के अंदर शो नहीं करते, ठीक है। डिस्काउंट जो काटते हैं वो कभी शो नहीं किया जाता, ट्रेड डिस्काउंट कभी शो नहीं किया जाता। तो क्या डिस्काउंट होता है आपका, वो हमेशा एंट्री के अंदर शो किया जाता है। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो एंट्री के अंदर कभी भी शो नहीं किया जाता, ठीक है, बाकी से शो नहीं। तो अब इसी के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे आपने जो कुछ परचेज किए, तो परचेज का जो हमें जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो जो मैंने परचेज किया वो कितने का किया, 72,000 का किया, और जो परचेज किया है ठीक है। तो जो भी आपने परचेस किया वो 72,000 का किया, और किया किससे, आपने रवि से। कई बार लोग स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर हम टैली के अंदर ट्रांजेक्शन को कर देते हैं जो डिस्काउंट है वो माइनस है, लेकिन अगले को क्या करता है कि ये फाइनल अमाउंट है इससे पहले भी फाइनल अमाउंट क्या है। तो जब भी आप ट्रांजेक्शन करो टैली के अंदर, मैं आपको बता दूंगा, वहां पे एक ऑप्शन होता है नरेशन का। जैसे आप कॉमर्स में करते थे ब्रैकेट लगा के नरेशन लिखते थे, वैसे जब भी आप टैली के एक एंट्री मैंने बना दी। अब जो सेटलमेंट हो रही है वो 70,000 की, इससे
ठीक है, जो हमें क्या मिले डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो जो डिस्काउंट अगर अपने को रिसीव हुआ है वो कितना होएगा, 2000 रुपए डिस्काउंट होएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो आपने चेक परचेज किया था, रिसीव किया था, रिसीव किया था, तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज का कितने का सेल। ठीक है, तो ये हमारी अपना इशू बनती है। एक बात क्या करना, जब भी आप लोग परचेज की एंट्री करते हैं उस परचेज की एंट्री के अंदर जब भी कुछ सेटलमेंट होती है, जब दो क्रेडिट होते हैं, तो दो क्रेडिट का टोटल किसका बनता है, डेबिट का बनता है, किससे, किसके अंदर, परचेज के अंदर। और जब आप क्या करते हैं एंट्री किसकी करते हैं, सेल्स की। जब भी आप सेल्स की एंट्री करोगे तो उसकी क्या होती है, दो डेबिट होते हैं, तो उसका जो टोटल बनेगा वो किसके बनेगा, क्रेडिट के। ठीक है, तो जो टॉपिक आपका डिस्काउंट का, इसके अंदर जो अपन एंट्री किए हम परचेस हम कर चुके हैं। ठीक है, अब जो अपन एंट्री करेंगे वो सेल्स की करेंगे। ठीक है, अब आपने जो एंट्री करेंगे सेल्स की करेंगे, तो सेल्स के अंदर क्या होता है, जो अपन परचेस किया था सेम बिल्कुल डिटो उसका क्या होता है, रिवर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि जितने का आपका क्या रेट ऑफ परचेस करेंगे उसी टाइम उतने का हमें क्या रखा होता है, सेल में मानते हैं। ठीक है भाई, आपने अगर 10,000 का परचेस किया तो अगर 10,000 का सेल करेंगे उसमें से 500 रुपए का डिस्काउंट है, हमें में 10,000 के लिए है, तो दोनों तरफ हमें क्या करनी पड़ती है, ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसको लेकर भी आप कुछ ट्रांजेक्शन बना लेते हैं। तो इस एग्रीमेंट में क्या क्या है, तो यहाँ पे क्या क्या था, जो गुड सोल्ड टू रवि, जो आपने अभी गुड सेल्स किए वो कितने की किए हमने, 50,000 की किए, और उसके अंदर जो डिस्काउंट था वो कितना है, 20% का ग्रेट डिस्काउंट था। ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या कहते हैं, रिसीव कैश ऑन गुड सेटलमेंट 38,000, मतलब आपने जो सेल किया था रवि को वो कितने का किया था, 50,000 का। तो 50,000 का जो सेल किया था तो 20% में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, फाइनल अमाउंट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 40,000, मतलब 10,000 का उसको क्या है, डिस्काउंट हो गया। तो इसमें से हम क्या करते हैं, 50 में से हम 10 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितनी बचेगी, 40 की अमाउंट बचेगी। ठीक है, तो सेल्स का जो हमने बैलेंस होता है वो हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, क्रेडिट क्या बनती है, रखिए अकाउंट डेबिट टू में क्या जाएगा, सेल्स आ जाता है, कितनी अमाउंट से, 40 से, एक एंट्री हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको उसमें से जब भी ट्रांजेक्शन में लिखेंगे तो ट्रांजेक्शन में हमेशा जब एंट्री करेंगे तो उसके अंदर हमेशा डिस्काउंट क्या करना है, माइनस करके लिखे जाने चाहिए। ठीक है, और जब हमें फाइनल अमाउंट क्या बोली, आपने जब माइनस किया है डिस्काउंट तब आपने फाइनल अमाउंट लिखी है, अगर हमें ये मेंशन करना है कि हमारे पास जो ओरिजिनल पहले अमाउंट थी उसमें से हमने डिस्काउंट माइनस करके तो फाइनल अमाउंट बची है, तो पहले वाले
ठीक है। अब उसके बाद आपको एक बात और बता देता हूं कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई स्कूल सेटलमेंट की बात करते हैं तो कुछ स्टूडेंट को दिक्कत होती है बच्चे को चेंज करना स्कूल सेटलमेंट में, तो जब भी आप परचेज की एंट्री के बाद उसी बंदे से रिलेटेड एंट्री आती है स्कूल सेटलमेंट की, तो हमेशा परचेज के टाइम या तो कैश क्रेडिट होगा या फिर बैंक क्रेडिट होगा, ठीक है। और जब भी हम क्या करते हैं सेल करते हैं, तो सेल्स के टाइम हमेशा क्या होता है कि आपका जो भी हम सेल करेंगे उसके रिगार्डिंग हमारे पास क्या रिसीव होगा, या तो कैश रिसीव होगा या फिर हमें चेक से पेमेंट रिसीव होगी, तो डेबिट हम किसको करेंगे, कैश या बैंक को। जब भी आपको कुछ गिवन करते हैं तो उसके हम उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, और जब हम कुछ चीज रिसीव करते हैं हमेशा उसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। तो अब उसी के अकॉर्डिंग पहले एंट्री पर मैंने बना दी, अब सेकेंड एंट्री में क्या करें, तो सेटलमेंट होगी वो कितनी चोरी 38,000 से, ठीक है। जो हमने सेल किया था वो कितने का किया था, 40 का किया था, उसमें से जो सेटलमेंट होगी वो कितनी की होगी, 38 की होगी। तो 40 में से 38 माइनस करोगे तो डिस्काउंट कितना का आ रहा है, 2000 का डिस्काउंट आ रहा है, ठीक है। तो जैसे 2000 का डिस्काउंट हमारे पास मिल चुका है, तो इसी के अंदर आप क्या करेंगे, अब कैश रिसीव हो रहा है कितना आ रहा है, 40 में से हमारे पास जो कैश रिसीव हो रहा है 38 रिसीव हो रहा है, क्योंकि सेटलमेंट जो है कितने से हुई, 38 से हुई है। तो अगले ने जो डिस्काउंट दिए हैं वो 40 में से कितने का डिस्काउंट दिया, 2000 का। अगले ने दिए हैं, अगले ने दिए हैं, तो क्या होता है डिस्काउंट लगाओ, अलाउ मतलब वो दे रहा है तो उसका क्या एक्सपेंस हो, जितने भी एक्सपेंस होते हैं उसका बैलेंस क्या करते हैं, डेटर करते हैं। और 2 में क्या आ जाएगा आपका, सेल्स आ रहा है, कितने की सेल की थी उसको, 40,000। तो आपका ने अभी डिस्कस किया था एक बार के अंदर परचेज होते हैं और एक बार के अंदर सेल्स होते हैं, परचेज के टाइम क्या होते हैं, 2 क्रेडिट होते हैं, ठीक है, उसका जो टोटल होता है, मतलब हमारे पास क्या होता है, 2 क्रेडिट होते हैं, ठीक है। अब ये 2 क्रेडिट है, मान लीजिए ये 2000 है तो यहाँ 3000 है, उसका टोटल ये डेबिट के बराबर कितना होगा, ठीक है, 5000। उसके बाद क्या होता है, सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर 2 डेबिट होते हैं, या तो कैश में जो भी है या फिर डिस्काउंट करना पड़ेगा, उसका जो टोटल होता है, उसका जो टोटल होता है वो किसके बराबर होता है, क्रेडिट के बराबर होता है। मान लो तुम्हें 2000 या 3000 का टोटल कितना आ गया उसमें, सेल से 5। तो कंडीशन कुछ ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, जितना करोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर है भाई, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिस करना तुम्हारे पे डिपेंड है, ठीक है। हमारा काम है तुम्हारा डाउट लेना, बस जब तक डाउट नहीं क्रिएट करोगे तो मैं कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो कंडीशन ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, नॉर्मल से है, सिंपल लैंग्वेज में भी आप याद कर सकते हो इसको, ठीक है। एक सिंपल सा एक अच्छा क्वेश्चन देते हैं आपको परचेज का और एक सेल्स का, ठीक है। मैं ट्रांजेक्शन ही दूंगा जनरली कुछ क्वेश्चन, तो इसमें मान के चलो मैंने परचेज की है 55,000, ठीक है। अगला सेल भी कितने का देगा मेरे को, 55,000, या तो कोई दिक्कत नहीं, मैं जितने का आप परचेज करेंगे उतने का सेल करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए और फॉर एग्जाम्पल बी, ठीक है भाई। ए ने परचेज किया बी से, भाई ए जितने की डिमांड करेगा बी से बिल देंगे उसको सेल करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे कंसेप्ट भी है, बट जैसे मैंने परचेज किया तो मैंने मान के चलो कह दिया कि जो मेरे को सेटलमेंट करनी है, सेटलमेंट करेंगे तो बोला पेमेंट करेंगे, ठीक है। जब भी कंडीशन परचेज की होती है तो पेमेंट होती है, अगर जो पेमेंट होगा कितनी कर रहे हैं, 15,000 मान के चलो, 52,000 में सेटलमेंट कर, ठीक है। तो जो डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा किसको, कि जो बंदा परचेज कर रहा है, ठीक है। जो डिस्काउंट मिलेगा जिस बंदे से वो परचेज कर रहा है, तो जिस बंदे से परचेज कर रहा है तो अगर वो डिस्काउंट में है और जो बंदा परचेज कर रहा है जिससे, उसको क्या हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, नॉर्मल सी बात है। तो इस कंडीशन में भाई हमने जो परचेज किया है वो कितने का किया, अगले ने सेल कितने का कर दिया, 55, ठीक है।
तो मैं इसको जो पेमेंट कर रहा हूँ, सेटलमेंट कर रहा हूँ उसके साथ, वो कितने की कर रहा हूँ, 52,000 की कर रहा हूँ। तो अगले को जो मैं पेमेंट करूंगा तो मैं क्या करेगा, कैश रिसीव करेगा, तो कैश रिसीव करेगा तो कैश काम इसमें क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा कितना, 52,000 से। ठीक है, अगले से जो आपने सेटलमेंट परचेज किया वो कितने का किया, 55,000 का। अगले से जो आपका सेटलमेंट करें वो कितने से करें, 52 से। तो हमें जो डिस्काउंट मिल रहा है एक से कितने का मिल रहा है, 3,000 का। तो यहाँ पे तो डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, कितना आएगा, 1,000 में तुम्हारी इनकम है, बट अगला डिस्काउंट दे रहा है दोस्तों तो एक्सपेंस है, तो ये कितना है, 3,000। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन आप उनके अकॉर्डिंग जैसे भी याद करना चाहते हो कर सकते हैं। तो इसमें ज्यादा डीजी बैठने वाली बात नहीं है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि अकाउंट में हर हर फील्ड में काम आता है, जितना आप उसको प्रैक्टिस करोगे जितना जल्दी करोगे। कोई बंदा आपसे पूछ भी देता है भाई जनरली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में इतने हमने परचेज किया है, इतना मैंने पेमेंट करके आया है, इतना पैसा बचेगा मेरे पास, कोई भी पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अकाउंट अलग खुद की जगह और बाकी काम खुद की जगह, जितना अच्छे से काम उतना बेनिफिट है, जितनी पहले क्या उतना बाहर ज्यादा।